गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ कोमल साहनी, सीनियर लेक्चरर CTTM, गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर, सेकेंड ईयर, सर्फिस ऑर्नामेंटेशन 2, कोड CD204, प्रैक्टिकल, यूनिट नंबर 1, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी, सब टॉपिक इज 1.2, फुलकारी ऑफ पंजाब। What is fulkari? Fulkari is a type of a traditional embroidery, and it is basically done in Punjab. And fulkari is a symbol of traditional Punjabi art. Fulkari is a technique of embroidery prevalent in Punjab state in India and Pakistan. And literally speaking, it refers to flower working. Stitching fulkari is an intricate artwork that requires a lot of effort and time. जैसे कि नाम से ही ज्ञात है, फूल और कारी, फूल मतलब फ्लावर और कारी मतलब कार्य, इसी से बना है ये शब्द फुलकारी, इन दो शब्दों से ही बनकर फुलकारी वर्ड हुआ है। और ये एक पारंपरिक एम्ब्रॉयड्री है जो कि पंजाब में की जाती है, और ये भारत के पंजाब में और पाकिस्तान के पंजाब में की जाती है। नाउ फुलकारी, इट इज़ एन ऑथेंटिक इंडियन ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयड्री डन ऑन कॉटन क्लॉथ खद्दर विद द सिल्क थ्रेड्स एंड द इंस्पिरेशन इज टेकन फ्रॉम द फ्लावर्स इन द ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स। और ये एक बहुत ही ऑथेंटिक इंडियन ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयड्री है, जिसे कि एक सूती कपड़े पर किया जाता है जिसे हम खद्दर कहते हैं, और जो एम्ब्रॉयड्री की जाती है वो सिल्क के धागों से की जाती है, और जो फूल होते हैं वो अधिकतर ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में होते हैं, यानी ज्यामितीय आकार के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे फुलकारी ऑफ पंजाब, उसकी हिस्ट्री। फुलकारी इज अ रूरल ट्रेडिशन ऑफ हैंडमेड एम्ब्रॉयड्री लिटरली मीनिंग फ्लावर वर्क वॉज परपेचुएटेड बाई द वुमेन ऑफ पंजाब Northwest India and Pakistan during the 19th century and till the beginning of the 20th century. Even though the textile industry today is imitating this art with the help of machines, fulkari work has almost disappeared in its original form. Due to the partition of India and Pakistan in 1947, which had a dramatic impact on the divided Punjab as well as the obvious socio-economical reasons, schooling, lack of interest for the manual work, profitability and industrialization. Probably brought to the Indian subcontinent by the migrant Jat people of Central Asia in ancient times, fulkari was a part of every important moment of local life, the weddings, the birth, religious functions, etc. Generally fabricated by a family for its own use, the fact of having completed a fulkari signified an important step for a girl on her way to becoming a woman. Techniques and patterns were not documented but transmitted by word of mouth. Hence, each regional group was identifiable by its unique embroidery work. The word fulkari usually indicates the shawl that was loomed and embroidered to cover the woman's head or to be displayed in Gurdwara, that is the Sikh temple. This tradition was often associated with the Sikh heritage, but as it was also shared with Hindus and Muslims. It happens to be more geographically specific than the religious specific. जब हम फुलकारी करते हैं तो विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, यानी कि सामग्री। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैब्रिक। एम्ब्रॉयडरी वर्क वॉज इनवेरिएबली मेड ऑन अ प्लेन कॉटन फैब्रिक विच इज़ नोन एज अ खद्दर and whose thread was manually spun, loomed and dyed with natural pigments.
Its quality was evaluated according to the fineness and regularity of its surface. और इसमें जो सब वस्त्र यूज़ किया जाता है एम्ब्रॉयडरी के लिए, वो बेसिकली कॉटन फैब्रिक होता है जिसे हम खद्दर कहते हैं, और अधिकतर ये लाल रंग का होता है। और ये जो वस्त्र है ये हाथ के द्वारा ही बनाया जाता है, यानी धागे को की कटाई करना और जो बुनना होता है वो सभी कुछ हाथों के द्वारा ही मैनुअली किया जाता है। और जो रंग होते हैं यानी कि जो वस्त्र को रंगा जाता है वो भी प्राकृतिक रंगों में किया जाता है। धागे थ्रेड्स, द एम्ब्रॉयडरी वॉज मेड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द खतर विद अ थ्रेड ऑफ फ्लॉस सिल्क कॉल्ड पाट। पाट में अब जो भी जब ये एम्ब्रॉयडरी की जाती है तो ये खद्दर पर रॉन्ग साइड से की जाती है, और इस और ये होते हैं सिल्क फ्लॉस यानी कि अनट्विस्टेड सिल्क थ्रेड्स का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम पाट कहते हैं। पाट के जो रंग होते हैं वो बहुत विभिन्न प्रकार के फुलकारी में रंगों का प्रयोग किया जाता है, और जो कि इस प्रकार है, और ये कुछ ऐसे सिम्बलाइज भी करते हैं, मतलब इन रंगों का कुछ अर्थ भी होता है, जैसे कि रेड कलर के जो पार्ट होते हैं टू सिंबलाइज द पैशन, वाइट फॉर द प्योरिटी, गोल्डन और येलो फॉर द डिजायर एंड अबंडेंस, ग्रीन फॉर नेचर एंड फर्टिलिटी, ब्लू फॉर सेरेनिटी, पर्पल फॉर सिंबोसिस बिटवीन द रेड्स एनर्जी एंड ब्लूज काम। However, even if symbolism was playing an important role, these colorful harmonies were also composed according to the embroiderer's taste. अब हम आते हैं embroiderer. Embroiderer यानी कि जो इसको बनाता है या इस पे embroidery करने वाला जो होता है उसको कहते हैं embroiderers. अब और ये महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है, ये एक सिंगल महिला यानी कि एक महिला भी कर सकती है, और एक ही फुलकारी को बनाने के लिए कई महिलाएं भी एक समय पे ये कार्य कर सकती हैं। अ फुलकारी वॉज एट टाइम मेड बाय वन वुमेन एंड एट टाइम्स बाय सेवरल वंस हु कुड इवन वर्क साइमल्टेनियसली ऑन डिफरेंट पार्ट्स और स्ट्रिप्स ऑफ खद्दर। एज रिटन बिफोर दीज पीसेज वर यूजली मेड बाय द फैमिली ऑफ द ब्राइड, और ये हमेशा दुल्हन की जो फैमिली होती है या परिवार होता है उन्हीं के द्वारा ही निर्मित किया जाता है। हाउ एवर एज इन द रिच फैमिलीज अ डाउरी कुड इंक्लूड सेवरल डजन्स ऑफ फुलकारी, सम प्रोफेशनल एम्ब्रॉयडरर्स वोकेशनली एम्प्लॉयड एंड द चॉइस ऑफ द पैटर्न्स वर वाज पार्टली ड्रिवन बाय द सोशल क्लास ऑफ द ब्राइड। अब हम करेंगे स्टिचेस। इसमें विभिन्न प्रकार की स्टिचेस का प्रयोग किया जाता है जो कि इस प्रकार से है, जैसे कि डार्निंग स्टिच वॉज द मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक्स टू मेक फुलकारी एंड द क्वालिटी ऑफ अ पीस कुड बी मेजर्ड अकॉर्डिंग टू द विड्थ ऑफ दिस स्टिच, द नार्वेस्ट वॉज द स्टिच द फाइनेस्ट वॉज द पीस। अब डार्निंग स्टिच सबसे अधिक प्रयोग की जाती है जो पूरी वस्त्र की सतह को जो है वो पूरा भर देती है, और ये सबसे बहुत ही कॉमनली यूज्ड तकनीक है, प्रयोग की जाने वाली तकनीक है फुलकारी में, और इसमें इसकी जो लंबाई होती है ये पैटर्न के विड्थ के ऊपर डिपेंड करती है, और जितनी ज़्यादा फाइन होता है जितना नैरो पास होगा स्टिच उतना ही फाइन वर्क होता है। इन ऑर्डर टू क्रिएट एन अनयूजुअल डिज़ाइन और टू बॉर्डर द खद्दर, सम अदर स्टिचेस लाइक हैरिंग बोन स्टिच, रनिंग स्टिच, हॉलबिन स्टिच और बटन होल स्टिच वर ओकेजनली यूज। और कई बार ये कुछ निम्नलिखित जो स्टिचेस हैं या एम्ब्रॉयडरी के जो टांके हैं इनका भी प्रयोग किया जाता है, और आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि रनिंग स्टिच भी है, बटन होल स्टिचेस को एजेस पे बनाया गया है, और डार्निंग स्टिच से फिलिंग किया गया है, और क्लस्टर स्टिचेस में यानी जो सैटिन की तरह है उनसे हमने फ्लावर्स क्रिएट किए गए हैं। और इसमें फुलकारी में जो है रंगों का भी बहुत महत्व है। जो खद्दर होता है वो चार रंगों के होते हैं, सफ़ेद, लाल,
काला और नीला, ये चार कलर्स होते हैं। तो वाइट इज़ गिवन टू मेच्योर वुमेंस और विडो, जो बहुत बड़ी उम्र की महिलाएं होती हैं या कोई विडो होती हैं उनके द्वारा सफ़ेद रंग की खद्दर का प्रयोग किया जाता है। रेड इज़ एसोसिएटेड विथ यूथ, यानी युवाओं के साथ जो होता है लाल रंग जुड़ा हुआ होता है, एंड इज़ मोस्ट वाइड स्प्रेड टोन, और सबसे अधिक इन्हीं पे सबसे ज़्यादा अधिक कार्य किया जाता है। ब्लैक एंड ब्लू कलर्स जो होते हैं वो एवरीडे वोन शॉल्स पर किया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो स्टेन और डर्ट अगर उन पे लग जाती है तो वो अधिक आसानी से दिखाई नहीं देती, इसीलिए काले रंग का और ब्लू रंग की जो फुलकारीज होती हैं वो डेली यूज़ में प्रयोग की जाती है, यानी प्रतिदिन पहनने जाने वाली होती है। और यहाँ पे मैंने आपको पहले भी इम्पोर्टेंस ऑफ धागों के जो रंग हैं उनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। अब हम पढ़ेंगे बेसिक फोर टाइप्स ऑफ फुलकारी, और बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जो फुलकारी है वो केवल चार प्रकार की होती है। पहला होता है बाग फुलकारी, फिर होता है चोप फुलकारी, शीशेदार फुलकारी और सांची फुलकारी, ये तीन तरह की होती हैं। और जो फुलकारी होती है उन्हें पैनल्स में भी बनाया जा सकता है, और पैनल्स में बनाने के पहले बनाया जाता है और फिर उसे स्टिच किया जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कपड़ों को पहले स्टिच किया जाता है पैनल्स को और फिर उसके बाद एम्ब्रॉयडरी की जाती है। तो ये दोनों तरीके से फुलकारी को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं बाग। बाग का मतलब होता है गार्डन, यानी कि बगीचा। ये सेरेमोनियल फुलकारी होती है, इसका अर्थ है गार्डन ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों का बाग। और एम्ब्रॉयडरी सो प्रोफ्यूज दैट ग्राउंड कलर इज़ नॉट विजिबल, और एम्ब्रॉयडरी इस प्रकार से की जाती है कि जो इसका जो बेस कपड़े का बेस फैब्रिक और धार वस्त्र होता है वो दिखाई नहीं देता है। एम्ब्रॉयडरी बिकम्स फैब्रिक इट्सेल्फ, और एम्ब्रॉयडरी से ऐसे लगता है कि वस्त्र का ही निर्माण किया गया है, और इसमें यही नहीं पता चलता। और इसका जो एक होता है कि जो इसका राइट साइड होता है वो कम्प्लीटली एम्ब्रॉयडरी से भर दिया जाता है, और जिसमें हमें वस्त्र जो है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। लेकिन एक और इसकी स्पेशलिटी, इसकी विशेषता ये होती है कि बैक साइड से ये बिल्कुल फैब्रिक दिखाई देता है, तो उसमें हम स्टिचेस को नहीं देख सकते हैं। तो ये एक स्पेशलिटी कि एक साइड राइट साइड से पूरा भरा हुआ होता है और बैक साइड से बिल्कुल खाली होता है। एंड डिमांड मोर टाइम पेशेंस एंड मटेरियल इंक्रीजिंग द एक्सपोजर, और इसमें बहुत अधिक समय लगता है, धैर्य की आवश्यकता होती है, और जो सामग्री होती है वो भी बहुत अधिक मात्रा में लगती है, और ये एक स्टेटस सिंबल है। एंड पार्ट्स कलर, इसमें अधिकतर जो रंगों का प्रयोग किया जाता है वो है गोल्ड, सिल्वरी वाइट, और इसी प्रकार के ये दो रंगों का आप प्रयोग कर सकते हैं। चोप फुलकारी, चोप फुलकारी में जो होता है उसमें राइट एंड रॉन्ग साइड दोनों एक समान से प्रतीत होते हैं, क्योंकि इसमें एक ही स्टिच का अधिकतर प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं डबल रनिंग, या फिर हम कह सकते हैं हॉलबिन स्टिच। तो इससे इसका जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है, यानी अगर हम राइट से देखेंगे और रॉन्ग से देखेंगे तो हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा सीधा है और कौन सा उल्टा है, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो बिल्कुल एक समान पैटर्न बनाए जाते हैं। शीशेदार फुलकारी जो होती है, जिसमें जब हम कोई भी नॉर्मल फुलकारी के साथ हम जब शीशों का प्रयोग करते हैं, यानी मिरर वर्क यूज़ करते हैं, तब उस फुलकारी को हम कहते हैं शीशेदार फुलकारी। फिर आते हैं सांची फुलकारी, इसमें फिगर्स बनाए जाते हैं और फिगर्स के साथ इन्हें सजाया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो होते हैं हमारे डेली में, हमारे जो आसपास जो भी घटनाएं होती हैं या जो भी हमारे हम लोगों के परिवेश में जो देखा जा सकता है, जो ज्योग्राफिकल या बहुत भौगोलिक स्थिति होती है, उसी के आधार पर ये फुलकारी को बनाया जाता है। अब हम विभिन्न प्रकार की और जो अन्य प्रकार की फुलकारियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत प्रकार की हैं, बट मैंने यहाँ पर कुछ गिनी चुनी ली हैं, और उसमें से पहला है हमारा मीनाक्षी, जिसे हम कहते हैं इक्का बाग।
ये गोल्ड वाइट कलर पार्ट से बनाया जाता है, स्मॉल मल्टी कलर लॉजेंगस रेफरिंग टू द मीनाकारी इनामल वर्क एंड टू डायमंड प्लेइंग कार्ड सूट। मतलब इसमें इक्का भाग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे ताश के पत्तों पे इक्का बना होता है, उसी तरह से इसमें पूरे में बना हुआ होता बनाया जाता है, एम्ब्रॉयडरी की जाती है, और ये अधिकतर गोल्ड वाइट कलर से बनाया जाता है। और स्मॉल मल्टी कलर्स भी बनाए जाते हैं, इसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए जाते हैं जिसे जो कि एक तरह से मीनाकारी के समान दिखाई देता है। फिर आता है पचरंगा। पचरंगा या सतरंगा, पचरंगा से जैसे है कि यानी कि जब हम किसी भी फुलकारी में पांच रंगों का प्रयोग करते हैं, और ये अधिकतर इसमें जो पैटर्न्स होते हैं ये जिगजैग फॉर्म में होते हैं जिसे हम कहते हैं शेवरॉन्स विद फाइव कलर्स, और इसीलिए इसे पचरंगा कहते हैं। कई बार हम सात रंगों से भी बना सकते हैं तो उसको हम कहते हैं सतरंगा बाग। तो पचरंगा बाग और सतरंगा बाग, और बाग फुलकारी होती है और जो पैटर्न होता है वो शेवरॉन में होता है, शेवरॉन यानी जिगजैग फॉर्म में। ठीक है, फिर आता है वरी द बाग। वरी जैसे होती है ये वेस्ट पंजाब में सबसे अधिक होता है, एंड गिफ्टेड टू द ब्राइड बाय द इन-लॉज, यानी ससुराल से दुल्हन के ससुराल से जो आता है उसे कहते हैं वरी, वरी द बाग। तो वरी द बाग जो होता है वाइल एंट्रिंग द हाउस, और जब शादी होती है तो उस समय जो ससुराल से जो भी फुलकारियाँ लाई जाती हैं उन्हें कहते हैं वरी द बाग। और मेड ऑन ऑरेंज रेडिश खद्दर, ऑरेंज कलर का और उसमें लाल रंग भी होता है, ऑरेंज रेडिश खद्दर होता है, और इससे इस रंग के खद्दर पे एम्ब्रॉयडरी की जाती है, और जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो सिंगल गोल्डन या फिर ऑरेंज पार्ट से ही की जाती है। इसमें हम देख सकते हैं कि 3-4 ग्रोइंग साइज में लॉजेंगस होते हैं, यानी कि चौकड़ियाँ होती हैं, मतलब बर्फ़ी के समान होती हैं, और उसमें एक के अंदर एक होती हैं, जहाँ पे आउटर जो सिंबलाइज करता है अर्थ, देन सिटी, देन थर्ड इज द हाउस, घर बता दर्शाया जाता है। फिर हम आते हैं कौड़ी बाग पे। कौड़ी बाग जैसे कौड़ियाँ लगाई जाती हैं, तो ये ईस्ट पंजाब में किया जाता है, और जो कौड़ी ही यूज्ड एज अ कॉइन, कॉइन्स की तरह इनको प्रयोग किया जाता है उस पर। और नाउ द साइन ऑफ द ह्यूमिलिटी एंड वोन वेयर व्हेन वुमेन हैव चांसेस ऑफ बिकमिंग प्रेग्नेंट। ठीक है, फिर आता है हमारा बाग द गार्डन, जैसे कि मैं पहले भी आपको ये बता चुकी हूँ। फिर आता है बावन बाग, जो ईस्ट पंजाब में बनता है, और बावन बाग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो पैटर्न बनाए जाते हैं फ्लावर्स वो कम लगभग 52 होते हैं, बावन मीन्स 52, तो एग्जैक्ट 52 पैटर्न्स इसमें होते हैं। एंड डिस्प्ले ऑफ द सैम्पल्स ऑफ स्केल ऑफ द एम्ब्रॉयडर पैटर्न्स, एंड ये बहुत ही रेयरेस्ट होता है, ये बहुत कम बनाया जाता है। Thank you.